So hello friends, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely great. So today is 14th of January and this is my third day in Shillong. It's already 11 a.m. and I am super late because today I'll have to go for Cherrapunji. So abhi thodi der mein mujhe Cherrapunji ke liye nikalna hai. Taxi se maine baat kar li hai. Almost every taxi would charge you 2000 rupees for a day trip to Cherrapunji. The same price is there also for DAWKI. So now I'm just waiting for my taxi to come. So my taxi has arrived. Okay, so without wasting any time, let's go. The drive from Shillong to DAWKI, or even to Cherrapunji for that matter, will take you through some of the most beautiful and amazing landscapes in India. It was a treat to travel these roads. Already 1.5 hours. अभी almost 12:30 बज रहे हैं, 11 बजे निकले थे. तो almost 30-40 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है. तो यह सडन चेंज ऑफ प्लान्स, मैं वहाँ से आपको बोल के निकला था दैट आई एम गोइंग टू चेरापुंजी, लेकिन फिर जो मेरे ड्राइवर भैया हैं उन्होंने बोला कि अभी ऑफ सीजन है चेरापुंजी में, यू नो आपको जाके कुछ नहीं मिलेगा उधर, फिर सब ड्राई होगा, ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेंगे. सडन चेंज ऑफ प्लान्स, आई जस्ट डिसाइडेड टू गो टू DAWKI इंस्टेड. एंड थोड़ी दूर आने के बाद ही दिस इज द व्यू, दिस आर द हिल्स दैट यू गेट टू सी, लाइक दिस इज अमेजिंग. मैं अभी अपने सामने देख रहा हूँ, दूर दूर तक देखो तो ग्रीन माउंटेन्स जो कि यहाँ से देखने में आपको ब्लू लग रहा होगा, एंड द ब्लू स्काई. और यहाँ पे ठंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इट्स क्वाइट चिलिंग, आई एम एक्चुअली शिवरिंग. और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स एन ऑसम फीलिंग. ओह माय गॉड, दिस हिल्स आर अमेजिंग. 10 मिनट रुकेंगे, अभी ऑलरेडी यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, लाइक यू नो ऐसा मन कर रहा है बस इसको देखते रहो, इट्स सो ब्यूटीफुल. सो इट्स 12:37. वो जो पॉइंट मैंने दिखाया था उससे ऑलमोस्ट और हम लोग 15 मिनट आगे आ चुके हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिलोंग, एंड वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर लंच. लंच क्या, इनफैक्ट एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी ईटिंग इन द डे. तो ये जगह है 4+2, इसका नाम है 4+2, आपको उल्टा दिख रहा होगा, जिसका नाम है 4+2. मैं अंदर अभी जाके आपको क्या खाने को है, क्या है मेन्यू, वो सब बताता हूँ, क्या प्राइसिंग है. और ये रहा, ये हम इधर से आए, देखिए कितना पूरा एकदम रोड पूरा कर हो रहा है. सो दिस इज इनसाइड द रेस्टोरेंट. Yeah, it's a nice little place. Looks quite cozy. यहाँ पे देख सकते हो पूरे टेबल्स और चेयर्स काफ़ी सारे हैं. एंड या अगर आप ट्रैवल करके थोड़ा सा थके हो या फिर भूखे हो तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो. तो दिस इज द रेस्टोरेंट एंड इट लुक्स क्वाइट क्लीन, क्वाइट नाइस. एंड यहाँ से आने के बाद जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू. ओह माय गॉड, ये तो अभी दोपहर का टाइम है.
सुबह के टाइम पे और या फिर थोड़ा सा शाम के टाइम पे आए, कैन ओनली इमेजिन कि यहाँ पे कैसा लगता होगा व्यू। सो जस्ट आप जो है यहाँ पे बैठिए और व्यू का मज़ा लीजिए और खाना खाइए। दिस इज़ द फूड दैट आई हैव ऑर्डर्ड। वी हैव वन बिग प्लेन ऑमलेट एंड टू रोटीज विथ सब्जी एंड सम पिकल। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट दैट दे हैव क्रिएटेड जस्ट बाय द रेस्टोरेंट। मस्ट से इट वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। Finished eating and this is the place where I am right now. ये एक्चुअली वही एरिया है, तो उस रेस्टोरेंट के बगल में ही एक उन्होंने छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया है। बच्चों के लिए 5 rupees एंड फॉर एडल्ट्स इट्स 10 rupees। सो जस्ट लुक एट द व्यू। Just look at the view. So this is the best of Meghalaya. अभी हम लोग उसी रास्ते से नीचे आने वाले हैं डॉकी के लिए। नीचे आई मीन थोड़ा सा ये ऊपर हो गए। So ये सब हमें और भी दिखने वाला है। This is amazing. आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा फॉगी हो रहा है एंड हाँ ये सब तो आप देख सकते हो, बट यू नो यहाँ पे जो ठंड लग रही है, जो हवा आपके चेहरे को लग रही है, तब तक द विंड दैट इज स्ट्राइकिंग योर फेस, दैट फीलिंग आई वोंट बी एबल टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो, थ्रू द स्क्रीन। फॉर दैट यू विल हैव टू कम पर्सनली। सो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। सो विल हैव टू लीव राइट नाउ बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट, और ऐसे अगर किसी में करेंगे तो विल गेट more late, so we'll have to reach DAWKI. The landscapes before reaching DAWKI were so beautiful. एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं यूरोप या सेंट्रल एशिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। No wonder why Shillong and Meghalaya are called Scotland of the East. So reached DAWKI after 3.5 hours. The last 20 minute road was pretty bad, so got really tired. Ekdam saaf crystal clear water. The water is like green here, blue there. It's amazing. So it was time to go down these stairs and to the river itself. The way down is actually through these wooden stairs, which is actually quite a steep descent.
is my boat and I'm going to go 700 rupees per ride and this is a beautiful doggy. Let's go. So life jacket in the pen because swimming mujhe ikka sabhi nahi aata. I was actually quite amazed to see the ecosystem flourishing here. Men fishing from their boats on this magnificent river was an artistic view in itself. The beauty of the river is clearly unmatched. Near the banks like this, the water is so clear that you can almost see all the pebbles lying under. देख सकते हो थोड़ी दूर के इनफैक्ट इधर ही दैट साइड इज बांग्लादेश यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ बेच रहे हैं फोटो सबके लिए बहुत सारा फोटो तो पूरा आके देखो इट्स क्वाइट बिजी मतलब आने के बाद जैसे हर जगह पर होता है टूरिस्ट को मतलब पूछना ये चाहिए वो चाहिए सो इट्स चलो 5 मिनट के लिए आप उतरते हैं एंड आई शो यू हाँ 5 मिनट बाद क्या नहीं फोटो वोटो नहीं चाहिए दादा फोटो है ये DSLR का फोटो तो बढ़िया आएगा ठीक है नहीं चाहिए मुझे सो आई एम हेयर नाउ एट द अदर साइड ऑफ DAWKI रिवर उस साइड में आप देख रहे हो जो है उस साइड वो पूरा बांग्लादेश है सो द DAWKI रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया इट गोज टूवर्ड्स बांग्लादेश तो मेघालय से इसका ओरिजिन है और फिर वो बांग्लादेश की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे चारों तरफ लोग फोटो ले रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं छाता लेके फिर कुछ लोग खाना बेच रहे हैं यू नो सो या इट्स अ वेरी लाइवली प्लेस बहुत ही अमेजिंग सी यहाँ पे भी वाइब है सो आप आओगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट मिस द बोट राइड एंड ऑफकोर्स अगर आपको टाइम मिले तो आप इस शोर पे भी आ जाओ तो ये रहा किनारा सो इट्स फिल्ड विद दिस पेबल्स एंड रॉक्स तो थोड़ा सा आगे रहता हूँ यहाँ पे कुछ खाने को भी दे रहे हैं सो यह आप देख सकते होगे कि यू नो पत्थरों पे बैठ के लोग DSLR से फोटो निकाल रहे हैं फॉर देयर पर्सनल यूज एंड ऑल देयर इज़ द चेक पॉइंट ऑफ BSF ऑल्सो क्योंकि ये एकदम बॉर्डर में पड़ता है तो ऑफकोर्स अगर बॉर्डर में है तो BSF का रहना बहुत ही ज़रूरी है एंड जस्ट दैट साइड स्टार्ट्स द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश अभी यहाँ पे एक गजब की चीज़ देखी कुछ जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इस साइड हमारी इंडिया के साइड में भी आ जा रहे हैं सो देयर इज एक्चुअली नॉट एनी फिजिकल बॉर्डर सो यू नो कोई भी कहीं पर भी इधर पे हम मैं भी अगर उधर पर गलती से चला जाऊँ तो शायद कुछ होगा नहीं मतलब जा सकता हूँ एंड यू नो आई मे कम बैक सो देयर इज नो एनी फिजिकल बॉर्डर बिटवीन दीज टू कंट्रीज in this area these stalls and all pata lage sab baithe aur yahan pe bahut sare bacche piche pad gaye suraj us taraf hai and this is the DAWKI river us side se hum log aaye the there is the bridge one real fact is that the river has started to get a bit polluted you can clearly see plastic waste floating at some places so overall my boat ride was pretty good pretty amazing it was a bit short thoda sa aur time spend karne ko milta to bahut acha hota shayad uske liye you have to pay more because I paid 700 that too with some discount mujhe mila thoda sa bargaining karke so at 700 we waited for only like 6-7 minutes
तो या मन तो कर रहा था वहाँ पे थोड़ी देर और, एटलीस्ट उस साइड देखिए, मन तो कर रहा था एटलीस्ट वहाँ पे आधा घंटा और रुका जा सके, बिकॉज द एम्बियंस वॉज क्वाइट नाइस देयर ऑन दैट साइड. लेकिन 6-7 मिनट ही वहाँ पे रुक पाया. या अदरवाइज द रिवर्स नाइस. मैंने शायद दोपहर के टाइम पे यहाँ पे धूप होती होगी, लेकिन इवनिंग के टाइम पे अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी फ्रेश मिलेगा. फ्रेश बिकॉज आपको धूप नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगा और थोड़ा सा मिस्ट होगा चारों तरफ, क्योंकि अभी धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हुआ है इधर पे. सो इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल. तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ सेलर्स, वेंडर्स, यू नो, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सेल करने की कोशिश करेंगे, लाइक अचार, पिकल्स एंड ऑल लोकल स्टफ. दे विल ट्राई टू टेक योर फोटोग्राफ्स. मोस्ट ऑफ देम मुझे पता चला दैट आर दे आर बांग्लादेशीज ओनली, दे कम फ्रॉम यू नो दैट साइड. सो आई आस्क्ड हियर दैट व्हाट इज़ द नियरेस्ट बिग सिटी फ्रॉम द बॉर्डर, यू नो, फ्रॉम द बांग्लादेशी बॉर्डर. सो आई सेड सिलेट. सो यस, सिलेट इज एन इम्पॉर्टेंट टाउन, इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ बांग्लादेश, और सिलेट ही सबसे नज़दीक पड़ता है इस बॉर्डर के. तो वो जो भी लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो वो सुबह 9 बजे 8 बजे के आसपास आ जाते हैं, शाम को वापस 6 बजे रिटर्न हो जाते हैं अपने अपने घरों में. एंड एज फार एज द फूडिंग इज कंसर्नड, एज फार एज यू फूड फैसिलिटीज आर कंसर्न, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है. देयर इज ओनली वन और टू शॉप्स दैट सेल ओनली दीज काइंड ऑफ स्टफ, चिप्स, चॉकलेट्स एंड ऑल. सो आपको अगर खाना है तो आपको रास्ते से ही खाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप कोई उम्मीद मत कीजिएगा दैट यहाँ पे आके आपको कुछ खाने लायक होटल या फिर मील्स इस टाइप का कुछ मिल जाएगा, रोटी सब्जी, यू वोंट गेट दैट. ओके, सो या एंड इट डज नॉट इवन, दिस प्लेस डज नॉट हैव दैट मच फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट एज ऑफ नाउ, एज व्हाट आई हैव सीन. यू नो, जस्ट कम हियर एंड डू सम बोटिंग एंड दैट्स मच ऑफ इट. मीन्स the proper infrastructure I think is yet to be built here. So that was my Dawki trip. It is definitely one of the most beautiful places that I've ever visited. But yeah, I saw a bit of pollution at the far ends of the river. Don't know who to blame, but it is we who must protect natural wonders like these. And as far as visiting goes, you can visit it anytime. It will simply mesmerize you.